हेलो फ्रेंड्स, आई एम सिद्धार्थ मेहता। दिस लेक्चर इज रिलेटेड टू सेमेस्टर 7 स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट। ओके, इन दिस सब्जेक्ट वी विल स्टडी द स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइडेड टू इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। बट बिफोर स्टडिंग दिस स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट, यू हैव टू नो वॉट इज इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। ओके, बिकॉज यू हैव टू इन दिस सब्जेक्ट यू हैव टू नो दैट विच प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइडेड फॉर इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट वॉट इज इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। ओके, हियर द फिगर शो दैट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेजर 3 कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेजर 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट इज जनरेशन। सेकंड कंपोनेंट इज लिंक कनेक्टिंग जनरेशन एंड लोड सेंटर। दिस लिंक कंटेन्स ट्रांसमिशन सेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन। ओके, दिस बोथ आर इन टू कम इन टूगेदर सेकंड कंपोनेंट। एंड थर्ड वन इज लोड सेंटर। ओके, फर्स्ट इज जनरेशन, सेकंड वन इज लिंक कनेक्टिंग जनरेशन एंड लोड सेंटर। ओके, एंड लास्ट वन इज लोड सेंटर। ओके, नाउ यू नो दैट वॉट इज जनरेशन। ओके, जनरेशन इज दैट पार्ट इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल जनरेट। ओके, जनरेशन इज दैट कंपोनेंट इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटर। ओके, जनरेशन सेक्शन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेटर्स। ओके, जनरेशन सेक्शन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेटर्स। लाइक इफ वी आर यूजिंग द विंड जनरेशन, हाइड्रो जनरेशन, थर्मल जनरेशन एक्सेट्रा। ओके, सेकंड सेक्शन इज लिंक, लिंक कनेक्टिंग द जनरेशन एंड लोड सेंटर। लिंक ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ टू सेक्शन, ट्रांसमिशन सेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन। ओके, दिस इज ट्रांसमिशन लाइन, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ओके, वी विल स्टडी नेक्स्ट इट ब्रीफ। ओके, एंड लास्ट वन इज लोड सेंटर। लोड सेंटर मीन्स नथिंग बट द कंज्यूमर्स। ओके, एट विच प्लेस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसाइड। ओके, नाउ वी विल सी हियर सम नोट्स। दिस इज फर्स्ट सेक्शन इज जनरेशन सेक्शन। इट इज स्टेशन वेयर इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड एज आई एक्सप्लेन अर्लियर। सो इट इंक्लूड्स द जनरेटर्स, प्राइम मूवर्स, एक्साइटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। ओके, दिस ऑल इक्विपमेंट्स आर कम टूगेदर इन जनरेशन सेक्शन। ओके, इन जनरेशन सेक्शन वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेशन। ओके, लाइक विंड जनरेटर, हाइड्रो जनरेटर, थर्मल जनरेटर एक्सेट्रा। ओके, अकॉर्डिंग टू विच एनर्जी वी आर यूजिंग टू रोटेट द प्राइम मूवर। ओके, दिस इज जनरेशन सेक्शन। सेकंड वन इज कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक मीन्स इट कनेक्ट जनरेशन विथ लोड सेंटर। ओके, कनेक्टिंग लिंक कंसिस्ट ऑफ टू सेक्शंस, ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ओके, नाउ यू नो दैट ट्रांसमिशन लाइन कैन क्लासीफाई इंटू 3 कैटेगरीज। ट्रांसमिशन लाइन कैन क्लासीफाई इंटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, सेकंड वन इज मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, थर्ड वन इज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। फर्स्ट इज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, सेकंड वन इज मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड लास्ट वन इज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ओके, इट इज क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू इट्स वोल्टेज रेटिंग और इट्स लेंथ। ओके, इफ यू आर कंसिडरिंग द वोल्टेज रेटिंग, देन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज यूज फॉर वोल्टेज अप टू 20 kV। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज यूज अप टू वोल्टेज 20 kV। सेकंड वन इज मीडियम ट्रांसमिशन लाइन इज यूज फॉर वोल्टेज बिटवीन 20 kV टू 100 kV। एंड लास्ट वन इज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, इट इज यूज फॉर वोल्टेज अबोव 100 kV। ओके, नाउ इफ यू लाइक टू क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ, देन ट्रांसमिशन लाइन अप टू 60 kV इज कंसिडर एज अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ओके, सेकंड वन इज ट्रांसमिशन लाइन विथ लेंथ 60 kV टू 160 kV इज कंसिडर एज मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। एंड फॉर अबोव 160 kV इट इज कंसिडर एज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ओके, सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ओके, एंड ट्रांसमिशन लाइन कम्स इन कनेक्टिंग लिंक सेक्शन। ओके, नाउ वी विल मूव अहेड।
here for your information here I will represent a single line diagram of electrical power system. This is single line diagram of electrical power system, so you can note that how transmission and distribution section are connected to load center and generator. Okay, first of all, this is generator of 11 kV, this is load center, last one is load center. Okay, load center or consumer. Here you can see that generation is available at 11 kV. Okay, generation is available at 11 kV. Now you are making different conversions or step up or step down the voltage is at higher and lower level to reduce the losses. Okay, now we will understand this is 11 kV generation, then this is the transformer. Using this transformer we are converting 11 kV to 220 kV. okay, we are converting 11 kV to 220 kV. okay, this is termed as primary transmission line. Okay, then again second transformer is available. Using this transformer we are step down 220 kV to 66 kV. okay, so this is step up transformer, this is step down transformer. Here at this place 220 kV voltage is available, and it this place the 66 kV voltage is available. Okay, this is considered as primary section or primary transmission line, this is considered as secondary transmission line. Okay, this is primary transmission line and this is secondary transmission line. These both section are comes in together transmission section. Why? Because here no consumer is available. Okay, this step up voltage is only for reduce the I square R losses. Okay, then again one transformer is come, it convert 66 kV into 11 kV. okay, here 66 kV is available, then using step down transformer here 11 kV is available. Okay, this 11 kV is termed as primary distribution lines. Okay, this section is known as primary distribution lines. Okay, why? Because the huge companies can get power supply at high voltage rate from here. Okay, so it is one it is also known as distribution. Okay, so this is primary distribution. Then again step down transformer is used. Then using this step down transformer we are converting 11 kV into 415 voltage. Okay, 415 voltage, and at this place the consumer or local or residential load is available. So this is known as secondary distribution. Okay, so this is primary distribution, this is secondary distribution, this is primary transmission, this is secondary transmission, this is primary distribution, and this is secondary distribution. Okay, this is the single line diagram of power system. This is for your knowledge. Okay, and last one is load center. We already also discussed that it consists of electrical loads like fan, motors, lights, etc. Okay, this is the introduction of electrical power system. Now switchgear and protection is used for protection of this electrical power system. It means when the fault occurs on electrical power system we have to isolate from faulty part to healthy part. Okay, so we first of all we have to know that what is meaning of healthy power system. In normal condition the power system always remain healthy. Okay, first of all we have to study what is meaning of healthy power system. Okay, here I mention some of that condition, that first of all three phase voltage and current must be nearly equal. Okay, what is condition for healthy power system? Okay, first of all first condition is what? Three phase voltage and current must be nearly equal. Okay, it means that in all phases the voltage and current magnitude must be equal. Okay, second one is supply frequency must be equal to rated frequency. Okay, it means that supply frequency of power system must be operate at which you are designed. Okay, means equal to rated frequency. And last one is direction of power system power flow must be decided. Okay, it means that the power flow direction must be according to your design, or in other words it is from generation to load side. Okay, you can also consider the
power flow direction as a current flow direction. Okay, so using or satisfying, if your power system satisfying these three conditions, then you can consider that your power system is healthy. And if your power system is not considering or not okay, thank you.